नमस्ते बच्चों, अपन ने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया था। प्लस और माइनस यानी योग और योगकलन, उससे संबंधित एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। इधर पहला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू -3, प्लस का 1, 2, -4, 1, 7। मैट्रिक्स बी है इस प्रकार से 3, -1, 5, 4, -2, -2। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला तो ए प्लस बी निकालना है और दूसरा आपको याद करना है ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था योग और व्याकरण का, तो उससे संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो फर्स्ट अपन ए प्लस बी कर रहे हैं। ए प्लस बी, देखिए इधर -3, 1, 2, -4, 1, 7, ये ए वाली मैट्रिक्स हो गई। और ये इधर बी वाली देखिए, 3, -1, 5, 4, -2 और -2। तो यह आ जाएगा ए प्लस बी बराबर, इनको जोड़ देते हैं, -3 प्लस 3, 1, -1, 2 प्लस 5, -4 प्लस 4, 1, -2, 7, -2, इनको जोड़ रहा हूँ मैं। -3 और +3 0 हो जाएगा, 0। -1 और +1 भी क्या हो जाएगा, 0। 7, 0, -1 और 5, ये कितने क्रम की मैट्रिक्स हो गई है बताइए। देखें 2×3 की, दो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है इस प्रकार से। तो ए प्लस बी अपन इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, दो क्रम 2×3 की मैट्रिक्स है। क्रम क्या है इसका, 2×3। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का, ए माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए माइनस बी। देखिए इधर ए माइनस बी बराबर दिया जाएगा -3, 1, 2, -4, 1, 7, माइनस। दूसरा जाएगा 3, -1, 5, 4, -2, -2। ए माइनस बी बराबर -3, माइनस कर रहे हैं -3, 1। यहाँ देखिए माइनस का 1 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 2, -5, -4 और ये -4, 1। माइनस का 2 इधर प्लस माइनस में होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2। 7, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर -3 और -3, माइनस का 6 ये 2, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 3 और ये 9। ये कितने क्रम की हो गई है, 2×3। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी याद किया है। क्वेश्चन नंबर पहला अपन ने किया है, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक समझना है, क्या याद करना है, कैसे याद करना है उसके बारे में सोचना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है, मैट्रिक्स ए
प्लस बी बराबर माइनस सात, दो और जीरो माइनस पाँच। ए माइनस बी दे रखा है, तीन जीरो माइनस दो और तीन, ये दे रखा है, यानी कि दो मैट्रिक्स का योग भी दे रखा है और माइनस भी दे रखा है। आपको ए और बी ज्ञात करना है, क्या निकालना है, ए का मान भी निकालना है और बी का मान भी ज्ञात करना है। तो ये आपके सोचने के लिए थोड़ा दे रहा हूँ मैं, इस कैसे आप करोगे इसके बारे में विचार ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, आप विचार करना कैसे कर सकते हैं, थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं। जैसे आपने छोटी क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई बराबर कोई भी संख्या है, समीकरण एक, और एक्स माइनस वाई बराबर 11 मान लेते हैं, समीकरण दो। दो समीकरण है, उससे आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की होगी, किस प्रॉपर्टी से की है ये आपको सोचना है, उसके आधार पर ये क्वेश्चन करने की कोशिश करना है, ट्रायल बेस है। थैंक यू।